नमस्कार साथियों आप सभी का उत्कृष्ट नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आज की जो बात है ना वो मुझे खुद को ही बड़ा एक्साइटेड फील करवा रही है कि यार बड़ी ख़ब, जबरदस्त खबर आ गई आप सभी लोगों के लिए और ये खबर विशेष तौर पर उन विद्यार्थियों के लिए तो बहुत शानदार है जो इंतजार कर रहे थे कि हम पहला नोट सेट कब देंगे तो आप सभी लोगों के लिए खास ये सूचना लेके आया हूँ सिर्फ सूचना नहीं है आगे की प्लानिंग और मैं बताने वाला हूँ कि आपको कितनी मेहनत अभी से करना स्टार्ट करोगे तब जाकर आप एंड पॉइंट पर मतलब जो आपका जो टारगेट है उस टारगेट तक जब आपका नंबर आएगा टारगेट के ऊपर अपना निशाना साधने का तब अगर आपका तीर अगर शार्प नहीं होना तब वहां पर टारगेट नहीं पहुँच पाएगा तो आप सब लोगों को पता है कि जब किसी काम को करना होता है तो उसके लिए आपको कई दिनों की कहीं घंटों की मेहनत अगर आप उस पर लगाएंगे तो उस काम को अच्छा होने की चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं तो आप सभी लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट खुशखबरी में लेकर आया हूं और जो खुशखबरी रहने वाली है आप सभी का एक इंपॉर्टेंट इंतजार जो कि अपन करते किसके रिगार्डिंग है अपन जो कॉमनली किस किसके रिगार्डिंग बात करते हैं वो रिगार्डिंग अपने रहने वाला है हमेशा किसके रिगार्डिंग रहने वाला है वो इंतजार आपके नॉर्थ सेट का इंतजार जो कि आप सभी लोगों को क्या रखना है विशेष तौर पर क्या रखना है याद रखना है और आपको इंपॉर्टेंट चीज़ यहां पर मैं बता देता हूं कि क्या इंपॉर्टेंट खुशखबरी रहने वाली है तो आप सभी लोगों के लिए आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी जो रहने वाली है वो रहने वाली है नॉर्थ सेट एट की डेट किसकी रहने वाली है नॉर्थ सेट एट की डेट रहने वाली है जो कि नॉर्थ सेट एट की डेट डिक्लेयर हो चुकी है और उसकी जो डेट है ये जो डेट है ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी कहाँ पर मिल जाएगी आपको ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दिल्ली एम्स के ऊपर मिल जाएगी जो कि आपकी रहने वाली है ट्वेल्व अप्रैल ट्वेल्व अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव जहां पर आपकी जो डेट है वो नॉर्थ सेट एट की डेट है ये बड़ी खास बड़ी अहम खुशखबरी है जो कि आपकी नॉर्थ सेट एट को लेकर है और नॉर्थ सेट एट की तैयारी अभी नॉर्थ सेट जो अपन सेवन का एग्जाम एक थोड़ा सा ड्यूरेशन बचा उसके बाद होने वाला है तो आप जो विद्यार्थी जो अभी जस्ट पास आउट हुए हैं उन वैसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो उसको देने के लिए एलिजिबल नहीं है तो आप लोगों को मैं कह देता हूं कि आप लोगों के लिए खुशखबरी जो तारीख तय हो चुकी है वो है ट्वेल्थ अप्रैल ट्वेंटी और उसके अंदर आप एग्जाम देने वाले हैं अपने पहले सेट का और उसके तम अलावा तमाम वो विद्यार्थी जो अपने नौसेठ को अटैम्प्ट को इस बार देने वाले हैं अपन उम्मीद करते हैं कि उसके अंदर निश्चित तौर पर सफल हो जाएं और कुछ विद्यार्थी जो किसी वजह से ना हो पाए उनके लिए भी अपने एक नए टारगेट को अचीव करने का एक नई डेट जो आपके माइंड में रहेगी वो हमेशा याद रखिएगा आपके जो अपने नर्सिंग के एग्जाम के अंदर स्पेस तौर पर जो मैंने सबसे अच्छी चीज़ नोटिस करी है कि आपको पहले से पता रहता है कि एग्जाम डेट कब है उसके अलावा प्री कब होगा मैंस कब होगा वो लगभग ऑलमोस्ट क्या है फिक्स रहता है और एक लिमिटेड ड्यूरेशन के अंदर सारी चीज़ें हो जाती है और आप पहला जो अपन कह सकते हैं प्री से लेकर आपकी पहली सैलरी में ज्यादा समय नहीं लगता दो से तीन महीने के ड्यूरेशन में सारा काम होने लग जाता है तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोगों को नोट शर्ट एट की तैयारी के लिए आज से ही जुट जाना है जो अपना पहला नोट शर्ट देने वाले उस विद्यार्थियों से तमाम उन विद्यार्थियों से विशेष अनुरोध रहेगा कि तैयारी के लिए इंतजार मत करिएगा कि अभी तो बहुत समय समय ज्यादा नहीं अगर मैं आपको समय की कैलकुलेशन बताऊं ना तो देखो अभी अपन जो है अभी अपन सितंबर के अंदर है कहाँ पर है सितंबर के अंदर है सितंबर अपना नाइन्थ मंथ जो है वो चल रहा है और आपको पता है नाइन्थ मंथ की ही बहुत ज़्यादा रहती है अगर आप उसके अलावा अगर अपन मंथ की बात करें तो टेंथ इलेवंथ ट्वेल्थ तीन महीने ये बचे और उसके अलावा वो जो जो तीन महीने बचेंगे तो कितने महीने बचे अपने पास में लगभग सिक्स मंथ का ड्यूरेशन बचा आपका है ना सिक्स ड्यूरेशन के अलावा अगर अपन इनको बीस दिन को इनको भी काउंट कर लें उसके अलावा दस दिन उनको भी काउंट कर दें तो लगभग ये जो दिन बचते ना वो सेप्टेम्बर से लेकर अगर अप्रैल के तक की मैं बात करता हूँ तो मोटा माटी जो आपके टोटल दिन बच रहे ना वो अराउंड डेज के हैं कितने डेज डेज आपके 200 और इन 200 डेज के के अंदर आपको लगभग लगभग जो जो आपका टोटल स्टडी मटेरियल का का वो सेलेबस आपके आपके की में बात करता हूं, तो ये 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 कितना रहता है? आपके का ये सेलेबस रहता है का ये टोटल सेलेबस है 1000 1000 घंटे समय जो है आपका जो बचा आपके पास में टू डेज है अगर मैं इसकी बात करूँ कि अगर आप अभी से इस सिलेबस को कवर करना चाहते हैं ना तो आज से एवरी डे कितने दिन हर दिन की अगर मैं बात करता हूँ एवरी डे की तो आपको लगभग स्टडी के लिए कितना समय देना पड़ेगा अगर आप फाइव आवर्स आज आज से समय देना स्टार्ट करते हैं तब जाकर अप्रैल अप्रैल के अंदर जो आने वाले अप्रैल के अंदर ट्वेल्थ ऑफ तो अप्रैल को एग्जाम होने वाला है उसके लिए आपको कंप्लीट रूप से तैयारी तैयार पाओगे आप है ना अगर आपको लगता है कि समय बहुत है तो ये समय भी यू ही गुजर जाएगा ऐसे सोचते सोचते कि सर ये तो ऐसे हो गया क्या करें क्या करें वो समय ऐसे ही गुजर जाएगा तो इस समय को बर्बाद मत करिए इस समय की कीमत को समझिएगा अगर आज से ही आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं उसके अंदर आप कहीं कही ना कहीं कुछ जो समय होगा लगभग पंद्रह बीस दिन का तो आपका वो टोटल वेस्ट होगा जहाँ पर पढ़ भी नहीं पाएंगे तो उस समय को आपको सही से उपयोग लेना है तो आज से अपनी स्टडी शुरुआत कर दें और स्टडी के अंदर इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि सारी चीज़ों को कंसेप्चुअल तरीके से आपको इसको फोकस करना है बड़ी इंपॉर्टेंसी रहती है आप सब लोगों के लिए उसके अलावा मैं एक चीज़ बता देता हूं कि जो विद्यार्थी नॉट सेट पहली बार दे रहे हैं नॉट सेट फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो आप लोगों को पता है कि नॉट सेट के अंदर जो पैटर्न रहेगा वो पैटर्न के अंदर आपको तीन चीज़ों का सॉरी मुख्य तौर पर दो चीज़ों का सामना करना पड़ेगा एक तो पैटर्न में रहेगा आपका प्री एग्जाम रहेगा दूसरा जो रहेगा वो मेंस रहेगा अभी जो ये डेट अनाउंस हुई है वो किसकी हुई है प्री की अनाउंस हुई है जो कि आपके ट्वेल्थ अप्रैल है और आप इसको प्री देंगे तब आप मेंस के लिए सेलेक्ट होंगे और मेंस देकर आप जब फाइनल जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे ठीक है तो अभी से आप इसके लिए तैयारी स्टार्ट करें और आपको पता है कि अगर आप पहले तो अपन शुरुआत करेंगे उसके बाद अपने को साथ साथ रिवीजन के लिए टाइम चाहिएगा एट द मोमेंट ऑफ एग्जाम से पहले अपने को रिवीजन भी करना पड़ेगा साथ साथ में रिवीजन करना पड़ेगा तब जाकर अपन क्या कर पाएंगे उन सारी चीज़ों को कवर अप कर पाएंगे ठीक है अगर अपन प्री की मैं बात करता हूँ तो आप सब लोगों को पता है प्री के अंदर जो आपके एट्टी क्वेश्चन रहते हैं वो नर्सिंग के सब्जेक्ट से रहते हैं तो परसेंट जो पार्ट आएगा वो आपके नर्सिंग के सब्जेक्ट आएगा और जो 20% परसेंट पार्ट आएगा वो आपके नॉन नर्सिंग पार्ट भी इन्वॉल्व रहेगा जो कि लगभग 20% परसेंट रहेगा तो आप सब लोगों को उसके लिए भी आपको साथ साथ तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी है और नर्सिंग के, के सब्जेक्ट की मैं बात करता हूं तो आप सब लोगों को पता है कि अपने जो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है पीडियाट्रिक नर्सिंग जिसको अपन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के नाम से भी जानते हैं उसके अलावा मेंटल हेल्थ नर्सिंग है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है उसके अलावा ऑप्शन गायनिक जिसको अपन मेटनल हेल्थ नर्सिंग के तौर पर भी जानते हैं उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जो जिसका सब्जेक्ट का पोर्शन कम रहता है लेकिन इंपॉर्टेंसी बहुत ज़्यादा रहती है माइक्रोबायोलॉजी न्यूट्रिशन रिसर्स मैनेजमेंट ये जो सब्जेक्ट है इनकी भी अपनी अपनी इम्पोर्टेंसी है तो इस सब्जेक्ट के सबका कॉम्बिनेशन लेकर आप अगर तैयारी शुरुआत करेंगे तो आज अभी से शुरुआत करना है और मैं कह रहा हूँ कि अगर आप आज शुरुआत कर रहे हैं अभी से शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले जो शुरुआत करने वाला सब्जेक्ट रहेगा वो आपका बेसिक क्लियर करने वाला फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के साथ शुरुआत करिए और जब फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को अच्छे से पढ़ लें तो उसके साथ साथ में दूसरी चीज़ों को स्टार्ट करिए और हमेशा मैं कहता हूँ कि फंडामेंटल ऑफ़ नर्सिंग के, के मैटर को आपको हर रोज पढ़ना चाहिए चाहे आप 15 मिनट पढ़ें 20 मिनट पढ़ें या आधा घंटा पढ़ें एक घंटा पढ़ें लेकिन हर दिन जो काम करने वाला वो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है और उसके बाद में दूसरा जो सब्जेक्ट में वेटेज की मैं बात करता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट आपको नॉर्थ शेट को टारगेटेट देखिए एपो एन को वेटेज देना और अभी से स्टार्ट करना और हर डे आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है उसके अलावा मैं एमएसएन की मैं बात करता हूँ अभी से आप क्या करें पर वीक एक टारगेट कर लें कि सर इस वीक में कार्डियो को पढ़ने वाला हूँ इस वीक में हो सकता है एंडोक्राइन को पढ़ने वाला हूँ इस वीक मेरा जो टारगेट है जो मेरा न्यूरो हो सकता है इस वीक मेरा गेस्टो हो सकता है तो पर वीक एक टारगेट सिस्टम को टारगेट करें और उसके अलावा उसके बाद आपने एक पर वीक के अंदर जो बाकी जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जैसे कि अपन कह सकते हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग वगैरह है उसके अलावा अपन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है उसके अलावा मेटरनल हेल्थ नर्सिंग है ये जो सब्जेक्ट है उनको भी आप ये कह सकते हैं कि हर वीक के अंदर एक सब्जेक्ट को पढ़े तो तीन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन के साथ चल सकते हैं ये प्लानिंग किसी का अलग अलग

तो एम हो जाएगा आपकी थ्योरी हो जाएगी थ्योरी के साथ हम लोग एम को सॉल्व करते रहना है और प्रैक्टिस रेगुलर करते रहना है और उसके अलावा आप सब लोगों को पता है कि अपने यूट्यूब की क्लासेज के अंदर आपको हमेशा कुछ नया ज्ञान देने का हम प्रयास करेंगे विशेष तौर पर अपना जो मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन जो रहते हैं वो हमारे रेगुलर सेशन है उसके साथ में भी आपके हर एक एग्जाम एक के अकॉर्डिंग उसके हमेशा से कुछ स्पेशल प्लानिंग रहता है वो इंपॉर्टेंट रहेगी आपको वो भी लर्निंग कर सकते हैं लेकिन इन यूट्यूब के सेशन के साथ साथ में एक सिस्टमेटिक स्टडी की नीड रहती है लोगों से उम्मीद है और आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और आपको मैं कहता हूं कि सेट एक तक जो लगभग 200 दिन का सफर है उस के आपको सारा वो देने का उसके अलावा देने वाले उन विद्यार्थियों को विशेष तौर पर ढेर सारी शुभकामनाएं आप इसमें निश्चित तौर पर क्या हो जाए अपने लक्ष्य में सफल हो जाए और उसके अलावा कई विद्यार्थी जो दूर बैठे उनको भी घर आना है तो उनके लिए भी है कि अभी से तैयारी शुरू करना आपके लिए बेहद उपयोगी साबित रहेगा तो ये जो इंपॉर्टेंट सूचना भूलिएगा मत ट्वेल्थ ऑफ अप्रैल 2025 को नॉट सेट एट का प्री एग्जाम होने वाला है ये बात सिर्फ आप तक मत रखना हर एक उस विद्यार्थी तक पहुंचा देना जिसका ऐसा टारगेट है कि भी मुझे भी नर्सिंग ऑफिसर बनना है मुझे भी सरकारी जॉब हासिल करनी है तो उस टारगेट को याद रखते ये खबर एक तक नहीं सब तक पहुँचा देनी है तो इसी खबर के साथ में तारीख मत भूलिएगा ट्वेल्थ अप्रैल ट्वेंटी मिलते हैं आज और और आने वाले सेशन के अंदर तब तक लिए गया दीजिएगा नमस्कार